नमस्ते, दीप ज्योति क्रिएशन में आपका हार्दिक स्वागत है। दिवाली स्पेशल रेसिपी में आज हम बनाएंगे बेसन के लड्डू। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। 2 kg बेसन के लड्डू आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। सामग्री की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने बेसन लिया है, थोड़ा दरदरा बेसन लीजिए या फिर लड्डू वाला बेसन मिलता है वो ले लीजिए। देखिए, 1 kg 1 kg अलग अलग कर लिया है मैंने, 1 kg अलग अलग बनाऊंगी। 2 kg एकदम बनाने से ज़्यादा देर भुनना पड़ता है, हाथ दुखते हैं, इसलिए 1 kg अलग बना लीजिए। देखिए, यहाँ पर मैंने 1 kg लिया है कढ़ाई में, इसे थोड़ा मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है 1-2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा कच्चापन जाए, अगर हमारा बेसन पुराना हो तो उसका दमट भी जाए, इसलिए देखिए इस तरह से मैंने थोड़ी देर उसे भून लिया है। 2 kg बेसन के लिए यहाँ पर मैंने 1 kg घी का इस्तेमाल किया है। तो 1 kg बेसन यहाँ पर मैंने भून लिया है, तो उसके हिसाब से आधा घी मैंने इसमें डाला है, और घी गर्म होने के बाद हम इसमें बेसन डाल लेंगे। बेसन डालकर हम अच्छे से भून लेंगे। परफेक्ट प्रमाण मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो 2 kg बेसन के लिए 2 kg चीनी का इस्तेमाल करिए और 1 kg घी का इस्तेमाल करिए, परफेक्ट हो जाएगा। अगर कप के हिसाब से मैं आपको बताऊँ तो 4-2-1, अगर हम 4 कप बेसन लेते हैं तो उसमें 2 कप चीनी और 1 कप घी का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस तरह से करिए, आपके लड्डू बैठेंगे नहीं और चपटे नहीं होंगे, गोल गोल अच्छे से रह जाएंगे और अच्छे से बनकर आएंगे। पीसी हुई चीनी का ही इस्तेमाल करिए। देखिए, 1 साइड 1 kg और 1 साइड 1 kg मैं यहाँ पर भून ले रही हूँ। इस तरह से आप भून लीजिए, बहुत देर तक भूनना पड़ता है। लो फ्लेम पर रख कर आप भून लीजिए। देखिए इस तरह से अच्छी तरह ये पतला होना चाहिए, उस तरह उतनी देर तक हमें भूनना पड़ता है। भूनने के बाद एक अच्छा खासा स्मेल आता है, तब आप इसे चेक कर सकते हैं आपका बेसन अच्छी तरह से भुन गया है या नहीं। उसे मैंने थोड़ा प्लेट में निकाल लिया और उसमें थोड़ा चीनी मिक्स कर थोड़ा खा कर देखिए, अगर आपको थोड़ा कच्चा लगता है तो और थोड़ी देर आप भूनिए। देखिए, तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है मैं ये भून रही हूँ, बहुत देर लगता है दोस्तों, फटाफट नहीं होता। आप पेशेंस इसे बनाइए, बहुत अच्छे बनते हैं, मुंह में रखते ही वो पिघल जाते हैं अगर आप दरदरा बेसन लेते हैं तो। अगर आपका बेसन सॉफ्ट रहता है तो वो ऊपर हल्क को चिटक जाता है, उस तरह का बेसन का आप थोड़ा अवॉइड ही करिए। और आपको चीनी, पिसी हुई चीनी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, और थोड़ी देर भून लिया है मैंने ये, अब फिर से मैंने चेक कर लिया है, खाकर परफेक्ट हो गया है, भुन गया है। अब हम इसे निकाल कर नीचे रख देंगे और थोड़ी देर तक ठंडा होने के लिए रख दीजिए। उसमें अब मैं यहाँ पर कैसिव नट और आलमंड मिलाकर रख रही हूँ, अभी गर्म है ये। गर्म में अगर हम ये ड्राई फ्रूट्स डालते हैं तो थोड़ा क्रंची बनकर, करारे बनकर आते हैं। ये पाउडर शुगर है, मैंने शुगर को मिक्सी में डालकर पाउडर बना लिया है। हम हाथों से छू सकते हैं, उतना ठंडा होने के बाद हम इसमें जायफल का पाउडर और इलायची का पाउडर डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद टेम्परेचर हल्का रहना चाहिए, बहुत गर्म नहीं रहना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं रहना चाहिए, 60% उतना रहता है तो ठीक है। अब हम इसमें पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास बूरा है तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें, उससे बहुत अच्छे से लड्डू बनकर आते हैं अगर आपको बूरा मिलता है तो। अच्छे से मिक्स कर लीजिए, स्टार्टिंग में थोड़ा गर्म रहता है तो चम्मच से के सहायता से आप मिक्स कर लीजिए, बाद में हाथों से इस तरह से एक तरफ होना चाहिए सब, उतनी अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। देखिए, थोड़ा गर्म रहता है, हाथों को संभाल कर आप मिक्स कर लीजिए और गुठलियाँ ना बने उस तरह की आप खास ख्याल रखिए। देखिए इस तरह से घिस घिस कर लड्डू को बनाया जाता है। देखिए इस तरह से घिसने के बाद बहुत ही सॉफ्ट मुलायम हो जाता है। देखिए ये हो गया है पूरा, अच्छे से मिक्स करना हो गया है, एक जीव हो गया है, एकत्र हो गया है ये। इसे मैं यहाँ पर गार्निश के लिए मैंने यहाँ पर किशमिश लिया है, आप चाहे तो काजू ले सकते हैं, चारुली ले सकते हैं, पिस्ताचू ले सकते हैं, आपको जो चाहिए आप वो लगा सकते हैं। देखिए एक थोड़ी प्रमाण में आप लेकर, आपको कौन सा साइज़ चाहिए उस साइज़ के ऊपर आप उतनी क्वांटिटी लेकर गोल गोल बनाकर लड्डू बना लीजिए। देखिए इस तरह से, और बनाने के बाद थोड़ा हाथों में इस तरह से रोलिंग करिए, उससे एक अच्छा शाइनिंग आता है और बहुत गुड लुकिंग दिखते हैं हमारे लड्डू। देखिए ये बनकर आ गया है, इतना अच्छा
अब हम इसे निकाल कर प्लेट में रख लेंगे। अच्छा दिख रहा है ना, देखिए दूसरी तरफ ये हमारा भुन्ना भी हो गया है। अब हम इसमें भी सेम काजू और आलमंड्स वगैरह डालकर हम रख लेंगे थोड़ा क्रंची होने तक। एकदम से बनाने के लिए बहुत बड़ा बर्तन भी चाहिए होता है और उतना हाथ भी नहीं हिल पाता, इसीलिए अलग अलग मैंने यहाँ पर बनाया है 2 केजी। देखिए 1 केजी घी में मेरा इतना रह गया है, तकरीबन 60 ml घी मेरा रह गया है, थोड़ा कम ही लगता है, देख देख कर आप डाल लीजिए। इसमें मैं अभी चीनी मिला रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ उसे भी पहले की तरह ही। दोस्तों आपको हमारे चैनल पे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। दोस्तों बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जो भी मैं वीडियो डालती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलता है तो आप मेरे वीडियो ज़रूर देख पाएंगे। दोस्तों देखिए सेम मैंने उसी तरह से घिस कर थोड़ा मुलायम बनाकर यहाँ पर मैंने लड्डू बना लिया है। देखिए लड्डू हमारे भारतीय खाद्य है दोस्तों, लड्डू और भी कई महाद्वीपों में बनाया जाता है। देखिए बिना लड्डू के दिवाली तो साजरा नहीं किया जाता, कौन सा भी फेस्टिवल नहीं साजरा किया जाता, हमारे में लड्डू का बहुत महत्व है। देखिए इस तरह से मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं। देखिए दोस्तों आप भी इस तरह से बनाइए, ये परफेक्ट मेजरमेंट है। घी आपको थोड़ा कम लगता है तो थोड़ा कम डालिए, थोड़ा आप रख कर ही डालिए, अगर आपको बेसन फिराने में थोड़ी दिक्कत होती है तो आप डाल लीजिए, लेकिन 1 केजी से ज़्यादा घी लगता ही नहीं। दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने आपको तोड़ को दिखाया है, कितना अच्छा सॉफ्ट हो गए हैं, ये पेड़े जैसा लग रहे हैं और मुँह में भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में डालकर रखेंगे तो 1 महीने के ऊपर ये आते हैं। दोस्तों देखिए इस तरह से बना लीजिए, यहाँ पर पूरे 116 लड्डू बनकर आए हैं। दोस्तों इस तरह से मैं डिब्बे में डालकर रख दिया है, आप भी बनाइए और 1 महीना भर इसका स्वाद लीजिए। दोस्तों ज़रूर ट्राई करिए, आप भी अपने फैमिली को बना कर खिलाइए, बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बनाते रहिए दोस्तों, खाते रहिए दोस्तों, फिर मिलेंगे और 1 नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए अनुमति, धन्यवाद।